विद्यार्थियों, कल लास्ट पीरियड में हमने देखा कि सबसे सुंदर लड़की यह पाठ देखा, और उस पाठ में हमने देखा कि कैसे एक कलाकार जो है वो अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए समुद्र से सीपियां बटोरता था, कौड़िया, शंख, विचित्र विचित्र पत्थर बनाकर उनसे खिलौने और मालाएं तैयार कर कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहा था। उसका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था हर्ष, जिसकी उम्र 11 की भी नहीं थी। तो उस हर्ष जो है वो बड़ा अच्छा तैराक है, समुन्दर में वह अच्छे से तैरना उसको आता है, समुन्दर में खेलना उसको बहुत पसंद है। और एक बार उस कलाकार के घर में एक रिश्तेदार आता है जिसकी एक 9-10 वर्ष की बेटी है जिसका नाम है मंजरी। हर्ष और मंजरी दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं। हर्ष को मंजरी के साथ खेलना बहुत पसंद है। साथ ही मंजरी जो है वह समुन्दर की लहरों से बहुत डरती है, क्योंकि उसके लिए यह अनुभव बहुत ही नया है, कुछ अनोखा है, अलग है। लेकिन मन ही मन मंजरी को भी तैरना सीखना है, क्योंकि वह हर्ष के साथ अच्छे से समुन्दर में खेलने का अनुभव ले सके। तो मंजरी जो है उसको समुन्दर में तैरना है, मन ही मन वह चाहती है कि उसको तैरना आ जाए। और विशेषकर उसको यह इच्छा कब होती थी, जब वो कनक नाम की एक लड़की को देखती थी जो बिल्कुल ही हर्ष की तरह तूफानों से ना डरते हुए वो समुन्दर में लहरों पर तैर सकती थी, और बहुत अच्छे से वो तैराक थी। ठीक है, लास्ट पीरियड में हमने देखा कि विशेषकर कनक को, जो हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती, यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। वह बेचारी थी बड़ी गरीब, पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह दो बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। अब हर्ष की और एक दोस्त का यहाँ जिक्र हुआ है जिसका नाम है कनक। कनक हर्ष की तरह ही बहुत अच्छी तैराक थी, क्योंकि वह भी उसी के साथ उसी के गांव में रहती थी जो समुन्दर के किनारे था। तो बचपन से ही वह समुन्दर से उनको जान पहचान थी, वो अच्छे से उसमें तैर सकते थे। अब कनक के बारे में यह बताया गया है कि वह लड़की बहुत गरीब थी, बहुत उसके साथ कुछ अनहोनी हुई थी, वह बड़ी बेचारी थी। एक दिन जो उसके कनक के जो पिताजी है वो मछुआरे थे। मछुआरे मतलब जो मछलियां समुन्दर से पकड़ कर लाते हैं और फिर उनको बाजार में जाकर बेचते हैं। तो उनके जो पिताजी है वो मछुआरे थे। अब आपको पता होगा विद्यार्थियों कि अगर मछली पकड़नी है तो वो किनारे पे बैठकर मछली हम नहीं पकड़ सकते, उसको अंदर दूर तक समुन्दर में जाना पड़ता है। तो एक दिन कनक के पिताजी जो थे वह मछलियां पकड़ने के लिए समुन्दर में बहुत अंदर चले गए थे, लेकिन शायद उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि वो वापस ही नहीं आ पाए। अब जब ये हादसा हुआ तो कनक की माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। तो वह क्या करती थी, तो मछलियां पकड़कर किसी तरह दो बच्चों को पालती थी। अब वह भी वही उसको भी वही काम पता था, तो इसलिए वो छोटी छोटी मछलियां पकड़कर किसी तरह कनक और उसके जो दूसरे भाई या बहन था उसको, उन दोनों को वह पाल रही थी। लेकिन कनक भी बड़ी होशियार लड़की थी, उसको जिम्मेदारी का अनुभव था। तो जो कनक जो है उसको पता था कि माँ का हाथ बटाना चाहिए, तो इसलिए वह भी छोटे छोटे शंख जो मिलते थे उसको किनारे पर, तो वह उस उनकी वह मालाएं बनाती थी। मालाएं मतलब जो गले में पहनते हैं वह, तो उनकी मालाएं बनाकर वह बेचती थी ताकि अपने माँ का हाथ बटा सके। अब मंजरी को यह सब पता नहीं था शायद, तो मंजरी जो है वह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और हर्ष के साथ भी बिल्कुल भी उसकी दोस्ती उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। कतई मतलब बिल्कुल भी नहीं, ओके। उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी, कतई मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। एक दिन हर्ष ने देखा
कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? अब एक दिन हर्ष के पिताजी बहुत दिनों से कुछ ना कुछ बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हम सबको पता है कि वो कलाकार थे, तो बहुत अच्छे अच्छे जो खिलौने हैं वो बना सकते थे। तो बड़े दिनों से वह बना रहे थे, मतलब कुछ अनोखा और कुछ सुंदर वो बना रहे थे। तो हर्ष ने उसको उनको पूछा कि आप बड़े दिनों से ये क्या बनाने में लगे हैं, क्या बना रहे हैं? तो उसने देखा कि वह एक पक्षी बना रहे हैं जो बहुत अलग अलग रंग बिरंगी शंखों से, सीपियों से वह बना रहे थे और बहुत ही वह सुंदर दिख रहा था। तो हर्ष ने पूछा कि ये किसके लिए बना रहे हैं आप? तो कलाकार ने, मतलब हर्ष के पिताजी ने उनको उत्तर दिया कि यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? तो 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में दे आना। अब बहुत दिनों से वह सोच रहे थे कि मंजरी का जन्मदिन आ रहा है, तो वह उसके लिए कुछ भेंट वस्तु बनाना चाहते थे। अब वह तो गरीब थे, तो खरीदने से बेहतर है उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसकी एक अच्छे से उसके लिए खिलौना बनाया जाए जो शंख और सीपियों से बना हुआ है। तो वह उसके लिए एक सुंदर सा पक्षी बना रहे थे जो हर्ष उसको मंजरी को भेंट में देना चाहता था। यहाँ तक विद्यार्थियों समझ में आया है? गुड। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? मंजरी ने पूछा। बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? अब हर्ष को जब पता चला कि उसको मंजरी को बड़ा एक सुंदर सा खिलौना बनाया है पिताजी ने, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अलग है, और वह उसको मंजरी को देना चाहता था, तो वो खुशी के मारे उसने पिताजी को कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल यह जो भेंट है वो जो बहुत सुंदर है, मैं मंजरी को दूंगा। और वह यह बताने के लिए दौड़कर उसके मंजरी के पास चला गया। और बातों ही बातों में उनमें गप्पे शुरू हो गई और उसने पूछा कि तुम्हारा जन्मदिन है, तो जन्मदिन में तुम क्या करना चाहोगे? जैसे आप लोग अपने दोस्तों से पूछते हैं ना, पार्टी कब है, क्या करने वाले हो, तो उसी तरह उसने भी पूछा कि तुम अपने जन्मदिन पर क्या करती हो? तो उसने बताया कि सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी, घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती है, और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। अब ऐसे ही वो मंजरी जो है, जब वह उसके घर में, उसके गांव में रहती है, तो किस तरह से वो जन्मदिन मनाती है, ये वह उसको बता रही थी कि वह सुबह उठती है, सबको नहा धोकर, मतलब नहल अच्छे से स्नान करके वह सबको प्रणाम करती है, मतलब सबके पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है, और घर पर सहेली जो होती है उनको दावत देती हूँ। दावत देना मतलब घर पर खाने पे बुलाना, तो दावत देती है, और फिर वो अच्छे से एंजॉय करती है, पार्टी, नाचती है, गाती है, इस तरह से कुछ वो अपना जन्मदिन अपने घर पे मनाती है। और ऐसे ही बातें करते करते वो न जाने कब तक दूर समुन्द्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। अब आप देख रहे चित्र में कि किस तरह यहाँ छोटे छोटे चट्टाने हैं, है ना? और बातें करते करते हर्ष ने उसको बोला कि चलो समुन्द्र में चट्टान पर बैठते हैं और अच्छे से और ज्यादा अच्छी बातें करेंगे, समय बिताएंगे। मंजरी काफी निडर हो चली थी। निडर मतलब जो मन में भय है वो धीरे धीरे कम हो जाना। तो जब वो मंजरी आई थी गांव में, तब उसको पता नहीं था कि समुन्दर कैसे होता है। वो थोड़ा सा उसके मन में हिचक थी, डर था। तो जब वो बड़ी बड़ी लहरों को अपने तरफ अपने ओर आते देखती, तो वो डर जाती थी। लेकिन अब रोज रोज हर्ष के साथ समुन्दर के तरफ वो खेलने के लिए जाने की वजह से अब वो थोड़ा थोड़ा जो डर है
वह उसके मन में कम हो रहा था। तो जैसे ही हर्ष ने बोला कि समुन्दर के अंदर जो छोटी सी चट्टान है उस पर जाकर बैठते हैं, तो उसने भी जल्दी से हाँ हाँ बोल दिया, क्योंकि अब वो डर थोड़ा कम हो गया था उसके मन में। बोली चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। अब तब तक जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो हर्ष को कनक दिखाई दी जो बड़ी चट्टान पर, मतलब और अंदर की तरफ एक चट्टान थी समुन्दर में, वहां पे वो बैठी थी। तो वहां पे उसने कनक को देखा, और कनक को देखने के बाद फिर वो कनक उसको बुला रही थी कि हर्ष तुम इधर आ जाओ, अंदर की तरफ और आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वही वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब हर्ष को तो पता था कि जो मंजरी है वो थोड़ा डरती है, तो उसने उसके इससे कहा कि इतने अंदर तो मैं मंजरी को लेकर नहीं आ सकता, तो इससे बेहतर है तुम ही हमारी तरफ आ जाओ, हम गप्पे मारेंगे। अब मंजरी ने कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई, वह वहां क्यों नहीं जा सकती, वह क्या उससे कमजोर है। अब विद्यार्थियों को पता है कि मंजरी के मन में पहले से ही कनक के बारे में ज्यादा अच्छे भाव नहीं थे, वो उससे जलती थी। ईर्ष्या मतलब जलन होना, ठीक है, जेलिसी। तो उसको जब कनक को उसने देखा तो उसके मन में ईर्ष्या हुई, क्योंकि उसको पता था कि हाँ कनक जो है वो बहुत अच्छे से तैर सकती है, लेकिन मंजरी नहीं तैर सकती। और उसके मन में वही एक भाव था कि वह क्यों नहीं कर सकती है ऐसा। तो वह सोच रही थी कि क्या मैं उससे कमजोर हूं, मतलब मंजरी सोच रही थी कि क्या इसको तैरना आया तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उससे कमजोर हूँ या मुझे कुछ नहीं आता। तो वह यह सोच रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। अब उसके मन में जो भाव चल रहे हैं, वो कनक की तरफ देख रही है, हर्ष से बातें कर रही है, कनक के बारे में कुछ अलग अलग बातें सोच रही है, और यह सब उसके दिमाग में चल रहा था। तब अचानक उसको एक सुंदर सा शंख पानी में दिखाई दिया। मंजरी ने अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। अब आपको सबको पता है कि जब समुन्द्र में लहर आती है तो हम अपने पैर टिका के पानी में नहीं खड़े रह सकते, है ना। अगर वो ज्यादा बड़ी और ज्यादा फोर्सफुली हमारे तरफ आती है तो हम गिर जाते हैं समुन्द्र में, है ना, और इसी का तो मजा आता है हमको। लेकिन बहुत बार यह जो चीजें हैं यह बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तो यही अनुभव मंजरी ने भी किया। अनजाने में वो जब वो शंख लेने के लिए उस तरफ बढ़ रही थी, तब उस तभी देखा कि एक जो लहर उसकी तरफ आई और उसका ध्यान उस लहर की तरफ नहीं था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसके पैर उखाड़ दिए, मतलब वहां जहाँ खड़ी थी वहां से वो नीचे गिर गई। और नीचे गिर जाने की वजह से वहां पे जो बड़ा पत्थर था, चट्टान मतलब पत्थर, तो पत्थर था तो उस ओर वो लुढ़क गई, मतलब गिर गई। और जब पानी में हम गिरते हैं और समुन्द्र के पानी में तो कंटिन्यूअस लहरें आती रहती है ना, तो इसी तरह जब वो लहरें आ रही थी तो उसको मौका ही नहीं मिला कि क्या हुआ जानने का। और उसी दौरान उसके मुंह में जो है समुन्द्र का सारा खारा पानी भर गया। खारा मतलब मराठी में अपन खारट मानते हो ना, तसा, तो खारा पानी भर गया और उसे होश नहीं रहा। ये सब इतने जल्दी जल्दी में हुआ, आनन फानन में हुआ, कि उसको कुछ भी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। और मुंह में नाक में पानी जाने की वजह से वह बेहोश हो गए, उसको होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। आनन फानन का मतलब है जल्दी जल्दी में, विद इन सेकेंड्स हम बोलते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ मंजरी के साथ, और हर्ष को भी पता नहीं चला, वो तो उसी के साथ में ही खड़ा था। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में, मतलब आनंद फानंद में हो गया कि हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा। पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब यह सब जब हुआ तब हर्ष कोशिश कर रहा था कि मंजरी की तरफ बढ़े और मंजरी को पानी से बाहर निकाले, लेकिन इतने में ही दूसरी लहर आ गई। अब हमको पता है कि समुन्द्र में एक के बाद एक लहरें आती रहती हैं, ऐसे कोई उसको टाइम नहीं रहता कि एक लहर आई तो 5 मिनट में दूसरी लहर आएगी, ऐसा नहीं होता।
कंटिन्यूअसली वो लहरें आती रहती है समुद्र के किनारे की ओर। तो जब ये मंजरी पानी में बेहोश हो गई थी, तब जब हर्ष उसकी तरफ बढ़ा उसको मदद करने के लिए, तो और एक लहर आ गई और उसकी वजह से हर्ष जो है वो मंजरी से दूर हो गया, उसको हाथ नहीं देने दे सका। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। अब ये सब जो है वो अंदर जो बैठी हुई जो कनक थी, जो थोड़ी से अंदर की तरफ चट्टान पर बैठी हुई थी, वह ये सब देख रही थी। और तब तक जब ये लहर आ रही थी मंजरी की ओर, जो क्रुद्ध थी मतलब नाराज थी, जैसे कि हम देखते हैं कि जब बड़ी लहर आती है तो हम बोलते हैं कि बाप रे कितनी बड़ी लहर है, कितनी भयानक लहर है ना। तो इसी तरह ये जो बड़ी लहर थी वो कुछ नाराज सी थी, मतलब बहुत बड़ी थी, नाराज होकर गुस्से में वो किनारे की तरफ आ रही थी। तो ये लहर जो है, अगर उसने देखा कि कनक ने देखा कि मंजरी की तरफ यह बड़ी लहर आ रही है, और अगर यह लहर मंजरी की तरफ पहुंच जाती तो वह उसकी फोर्स की वजह से, उसके बड़े होने की वजह से वो मंजरी जो है वो बड़ी चट्टान की तरफ जोर से अपना सर उसका लग जाता, और सर पर अगर लग जाता तो बहुत बड़ी चोट आ सकती थी, शायद उसकी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो यह सब कनक देख रही थी, और उसने जैसे ही देखा कि वह लहर उसकी तरफ आ रही है तो वो जल्दी से कूद पड़ी पानी में और उसने मंजरी को अपने हाथों में थाम लिया, मतलब उसका हाथ जोर से कस से पकड़ लिया ताकि मंजरी जो है वो चट्टान की तरफ ना जा पाए। यहाँ तक समझ में आ गया है विद्यार्थियों? अब देखते हैं आगे। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। वह बार बार कनक को देख रही थी। अब विद्यार्थियों, आपने देखा कि जब मंजरी कनक जो है उसने मंजरी को हाथ दिया तो उसने उसको बचा लिया था, है ना। और फिर उसने उसको तब तक होश आ गया था, और होश आने की वजह से अब थोड़ी देर में जो है वो तीनों जो है वो समुन्दर के किनारे पर आ गए थे, और समुन्दर के किनारे पर वो तीनों अपनी अः एक साथ बैठे गप्पे मार रहे थे। तो मंजरी जी जो थी वह कुछ अच्छा फील कर रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। अब ये सब जब हुआ, उसके बाद कुछ ही दिनों में मंजरी का जन्मदिन आया, और उसने मंजरी ने अपने जन्मदिन पर अपने सारे दोस्तों को बुला लिया। अवसर पर मतलब उस मौके पर, पार्टी के मौके पर। तो वो जन्मदिन क्यों मना रही थी? क्योंकि जन्मदिन कैसे मना सकती थी, क्योंकि कनक ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए अब वो अपनी जन्मदिन के पार्टी पर बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी चोट नहीं आई थी। उसने अपने सब बच्चों को दावत पर बुला लिया था। दावत पर मतलब खाना खाने पर, पार्टी जिसको कहते हैं हम, तो उस पे उसको बुला लिया था, सबको बुला लिया था। सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे, जैसे कि बर्थडे पे हम जाते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, तो सारे उसके जो दोस्त थे वो उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आ गए थे। सबसे अंत में मतलब सबसे लास्ट, सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। अब जो कलाकार जो है, मतलब हर्ष के जो पिताजी है, उनकी बारी, बारी आना मतलब तो टर्न है ना, टर्न आना उनका, तो उनकी बारी आई। तो उन्होंने जो बहुत दिनों से उन्होंने खूबसूरत जो पक्षी बनाया था शंखों से, वो उसको देने के लिए आगे आए, और आगे आकर उन्होंने कहा कि मैंने ये जो खिलौना बनाया है, ये सबसे सुंदर खिलौना है, और ये खिलौना मैंने किसके लिए बनाया है? तो ये सबसे सुंदर लड़की के लिए बनाया है। और वह लड़की
कौन है? तो आप सब जानते हैं कि वह लड़की है मंजरी। सबने खुशी से ताली बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। अब हर्ष ने हर्ष को वह खिलौना देना था, तो उसने बड़े प्यार से वह खिलौना जो है वो मंजरी के हाथ में थमा दिया। थमा देना मतलब उसके हाथ में दे देना। तो मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। वह बहुत खूबसूरत खिलौना था, तो मंजरी जब उसको देख रही थी तो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सबने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी, और दूर समुंदर में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। अब मंजरी को यह कहीं ना कहीं मन ही मन पता था कि कनक की वजह से आज वह अपना जन्मदिन मना रही है। मंजरी के मन में कनक की वजह से न जाने क्यों एक खटास भरी हुई थी। न जाने कुछ गलत फहमिया जो थी, वह गलत फहमिया कनक के एक काम की वजह से सारी दूर हो गई थी। अब मंजरी ने क्या किया, जैसे ही उसको वह सबसे प्यारा और सुंदर पक्षी भेंट के स्वरूप में उसको मिला, तो वह अपनी जगह से उठी और वही सुंदर पक्षी उसने बड़े ही सुंदरता से कनक को थमा दिया। और ये देते वक्त उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में कहा, स्नेह भरे मतलब प्यार से, प्यार भरे स्वर में उसने कहा कि यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। अब ऐसा मंजरी ने क्यों कहा होगा, क्योंकि कनक जो है वह भले ही दिखने में मंजरी से थोड़ी कम हो या लेकिन उसके गुण जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। उसने किसी भी तरह की कोई विचार न करते हुए मंजरी को झट से पानी में से डूबने से बचा लिया था। तो सिर्फ ऊपरी सुंदरता ही महत्वपूर्ण नहीं है विद्यार्थियों, तो तुम्हारे गुण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत, और उसी से तुम्हारी सुंदरता ज्यादा निखर के आती है। तो मंजरी को यह समझ में आ गया था कि केवल ऊपरी सुंदरता या ऊपरी अच्छी बातें सिर्फ काम नहीं आती, तो तुम्हारा जो मन है वो अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे मन में किसी भी तरह का मैल नहीं होना चाहिए, जो मंजरी के मन में कनक के लिए था। तो उसको यह पता चल गया था, उसको अपनी भूल की भूल समझ में आ गई थी, और इसलिए उसने कहा कि यह पक्षी जब सबसे सुंदर लड़की के लिए है तो वह सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो सकती हो, क्योंकि तुम। और ये बताते वक्त उसने सारी जो बात हुई थी, सारी जो घटना हुई थी, वो उस वक्त सबको बताई। और जब सबको यह पता चला कि कनक ने किस तरह मंजरी की जान बचाई थी, सब लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की। प्रशंसा की मतलब बहुत प्रेस किया सबने उसको। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी। अब कनक जो है वो, इसको ये सब एकदम से हुआ, अचानक से हुआ, तो इसको वो बहुत अचरज में थी और वह सिर्फ मंजरी को देखे जा रही थी, और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। जैसे कि मानो बाहर जो समुन्दर है वो उसकी समुन्दर की लहरों की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि मानो वह इन तीनों के दोस्ती के लिए उनको बधाई दे रही थी। ये पाठ जो है विद्यार्थियों, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। आशा करती हूँ आप सबको यह समझ में आ गई है। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, डू शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू वांट ऑसम क्विजेस, राइट टू अस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद वॉलनट।